तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरूटो के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 223 में देखा था इनोजिन वर्सेस हमारे होकी की बैटल, जिसमें साई की ट्रेनिंग की वजह से होकी ने हमारे इनोजिन का कुत्ता बना दिया था। भाई सच बता रहा हूँ, अगर हमारा साई बंदा है ना जो ये होकी की जगह अगर हमारे इनोजिन को ट्रेन करता तो यार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता। लेकिन क्या करे भाई, आजकल मतलब बनती नहीं है ना बाप बेटों में एनिमे के अंदर। अब हमारे नरूटो चचा को ही देख लो, बोरूटो को ट्रेन करने की जगह अकाबाकी के पीछे पड़े हुए हैं। खैर छोड़ो इन सब चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरूटो एपिसोड नंबर 224 के बारे में, या फिर कहे तो बोरूटो एपिसोड नंबर 224 के लीक्स या स्पॉयलर्स के बारे में। तो हाँ, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लास्ट एपिसोड के लास्ट में कि जो मतलब हमारा कोना हमारो अंकल होता है, मतलब देख रहे हो भाई वक्त कितना बदल चुका है। कोना हमारो पहले बंदा अपना दोस्त टाइप का हुआ करता था, फिर अपना थोड़ा सा इससे बड़ा हुआ, अब अंकल बन चुका है बंदा। तो है ना, ऐसे वक्त बदलता रहता है एनीमे में, इसलिए ना तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कब छोटा बच्चा तुमसे बहुत बड़ा हो जाएगा। छोड़ो इन सब चीज़ों को, पता नहीं बंदा टाइम स्किप में जिंदा होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि जो कोना हमारू है वो दो स्कूल निकालता है, जिसमें से एक के ऊपर नाम लिखा था लिवाबी का और दूसरे पे वासाबी का। तो हाँ, आप समझ चुके हो, जो बैटल होगा वो होगा लिवाबी वर्सेस वासाबी के बीच में। और अगेन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार लिवाबी और वासाबी के बीच में वैसे ही बनती नहीं है, वैसे ही ये दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं। तो इनको जब असली में लड़ाई करने का मौका मिलेगा तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि कौन जीतेगा, तो मेरे ख्याल से शायद से वासाबी जीत जाएगी। पर यार मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लिवाबी जीतेगा, पता नहीं यार कौन जीतेगा, स्पॉयलर्स में आगे देखते हैं। स्पॉयलर्स में हमें ये नहीं बताया कि मतलब लिवाबी जीतेगा या वासाबी जीतेगी, हमें ये बताया नहीं गया है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा ही स्पॉयल कर देंगे तो यार एपिसोड देखने में मज़ा ही क्या आएगा। तो हाँ, हमें बताया गया है कि मतलब जो ये दोनों कैरेक्टर है लिवाबी और वासाबी, अपनी पूरी जान लगा के लड़ लेंगे ताकि सब लोग को पता लग जाए कि इन्होंने कितना इम्प्रूव करा है। और ये हमारी तरह ही ऑडियंस रिटेंशन नहीं खोना चाहते, यानी कि ये नहीं चाहते कि लोग इनको देखना बंद कर दे। तो आप भी हमको ऑडियंस रिटेंशन दो जैसे कि इन लोगों को चाहिए। तो ज़्यादा लीक्स तो है नहीं, पर मैं फिर भी आगे अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करता हूँ, जो कि मैं हर एक स्पॉइलर वीडियो में करता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि जो लिवाबी है वो स्टार्टिंग में तो हमारी वासाबी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर देगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो जो हराने ही वाला होगा जस्ट लाइक इनोजिन। लेकिन उसी वक्त वासाबी एक खतरनाक रूप में आ जाएगी, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है द लेजेंड ऑफ मॉन्स्टर कैट। तो ऐसा हो सकता है, तो अब वासाबी भी फुल खतरनाक मूड में आ चुकी है और लिवाबी को वो थोड़ा सा डोमिनेट करेगी। लेकिन लिवाबी जैसे तैसे करके उसे लड़ने की कोशिश करेगा, जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन इन दी एंड शायद मैच टाई हो जाएगा, क्योंकि नरूटो सीरीज में ये पहली बार नहीं है कि किसी दो बंदों के बीच में मैच टाई हुआ हो। अनटिल दे बोथ आर यूजलेस जस्ट लाइक इनो एंड साकुरा। हम इन दोनों कचरों के बारे में भी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। और बात करें हम अगले मैचेस की, यानी कि ये तो था लिवाबी वर्सेस वासाबी, ये तो हमको पता ही था, लेकिन इसके अलावा और किस किस के मैच किसके साथ होंगे। तो देखो, इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जो चोचो है उसका मैच होगा सारदा के साथ, क्योंकि हमने एक बार लीक्स के अंदर देखा था मतलब क्लोज फ्रेंड्स के बीच में कुछ बैटल होगी। और कुछ एपिसोड्स पहले ही भी हमने देखा था कि जो चोचो है और सारदा है उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब सहेलियों वाली दोस्ती काफ़ी अच्छी है उन दोनों की। तो उन दोनों में बैटल होगा तो ये देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके अलावा जो डेंकी है उसकी बैटल होगी वासाबी के साथ, क्योंकि जो वासाबी है उसने डेंकी के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करा था भाई, वो से मेरा मतलब है कि जब हमारा डेंकी प्रैक्टिस करके आया था, उसका निंजा टूल बना के आया था, तब डेंकी ने उसके ऊपर देख के काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, उसके कपड़ों पे और उन सब चीज़ों पे। मतलब यार इससे काफ़ी ज़्यादा हिंट्स मिल चुके हैं हमको कि जो क्या नाम है इसका, सुबाकी है, इसका बैटल होगा हमारे डेंकी पोकेमोन से। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।